मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक एचपी का लैपटॉप आया है जो पवेलियन सीरीज होती है इसकी। ये गेमिंग में तो नहीं है पर डिजाइन उसी तरीके से किया गया है जैसे गेमिंग मशीन होती है। इसमें ग्राफिक कार्ड भी है और प्रोसेसर जो है वो एएमडी का राइजन प्रोसेसर है। तो ये डिजाइन उसी तरीके से की गई है सीरीज। ये पवेलियन सीरीज गेमिंग नहीं होती है पर इसको डिजाइन ही इसी तरीके से किया है कि जैसे गेमिंग हो। तो हम इसमें आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है। हम जैसे इसमें चार्जर लगाते हैं, ऑन करते हैं तो कुछ सेकंड चलने के बाद हमारी मशीन बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाती है। ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है? नॉर्मली ये जो हमें जैसा इसमें लग रहा है कंडीशन क्या है, इसकी बैटरी बहुत वीक है, चार्जर निकालते ही बंद हो जाती है जिसकी वजह से ये मशीन वैसे बंद हो जाती है। पर अभी ये चार्जर पे भी बंद हो जाती है कुछ समय पश्चात बंद होगी है चलते चलते बीच में। तो हम खोल के दिखाते हैं कि बैटरी हटा के हमारी मशीन ठीक चलती है या फिर भी दिक्कत करती है। यदि बैटरी हटाने के बाद ये मशीन ठीक चल रही है तो फिर बैटरी में प्रॉब्लम है, यदि बैटरी हटाने के बाद भी प्रॉब्लम कर रही है तो फिर मदरबोर्ड की इशू होती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप देखोगे ये हमारी बैटरी है, हम इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं। अभी बैटरी वैसे फिजिकल तो देखने में ठीक लग रही है क्योंकि फुली भी नहीं है। ये बैटरी क्या होता है जब खराब हो जाती है तो फूल जाती है। तो हम अभी इसको ऑन करके देखेंगे लैपटॉप को। हमने पासवर्ड भी डाल दिया, अब हमारी मशीन चल गई है। तो हमारी हार्ड बैटरी में ही प्रॉब्लम है जिस वजह से ये मशीन बंद हो जा रही थी। अब डिस्कनेक्ट हमने बैटरी कर दिया तो हमारी मशीन ठीक चल रही है। तो इस प्रकार कोई भी लैपटॉप हो आपका, सूरज कंप्यूटर्स पूरे दिल्ली एनसीआर में नंबर वन सर्विस सेंटर है लैपटॉप रिपेयर के। आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर दिखा सकते हैं। धन्यवाद।